الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. उम्री अन अनोरी फ़ीमा अफनाहू ही फीमा अब तबह अन फीम आलिमा मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों अजीज साथियों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान यानी मख़लूकात पैदा फरमाया और इससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया अह रब्लत ने हमें इस दुनिया में भेजा जैसे कि कुरान करीम के आयत है कि फ़ाल हम आ व तकवा कि अल्लाह इज़्ज़त ने फिस्को व फजूर को भी रखा और तकवा को भी रखा और फ़रमाया कद अफलह मन ज़क्का कामयाब हो गया वो शख़्स जो इस ज़िंदगी में रहते हुए अपने नफ्स को पाक कर लिया गुनाहों से जिसने गुनाहों से अपने नफ्स को पाक कर लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तहक़ीक ऐसा बंदा कामयाब हो गया जिसने इस दुनिया में रहते हुए अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया फ़म माम तगो व आसरल हयात दुनिया अल्लाह इज़्ज़त कुरान क़रीम में फरमाते हैं कि फ़म्माम तगा कि जिसने सरकशी की व आसरल हयात दुनिया और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी इन फल जहिमा फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम होगा और इस दुनिया में रहते हुए जिसने अच्छे काम किए व अमांकाम व नफसा अनिल हवा इस दुनिया में रहते हुए एक अल्लाह रबुल्जत से डरा कि जिसने हमें पैदा किया उससे डर डर कर जिंदगी गुजारा कि हमें क्या काम करनी चाहिए और क्या जो है नहीं करनी चाहिए फरमाया कि वह अमां ही व जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा व नफसा और अपनी नफसानी ख्वाहिशात से क्या है अपने आप को बचाता रहा जन्नता अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत है जन्नत उसका ठिकाना है फिन जन्नत ही ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने हमें बता दी कि अगर हम सरकशी इख्तियार करेंगे और अल्लाह ताला की नाराजगी वाली जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िन नल जहीम ही उसके लिए क्या है जहन्नम उसका ठिकाना है और जो अल्लाह इज़्ज़त से डर डर का जिंदगी गुजारा अल्लाह इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नत उसका ठिकाना है तो इस पर हम खुद गौर फिकर कर सकते हैं कि हमें कौन सी जिंदगी यहाँ से गुजार कर जानी चाहिए अभी करीब करीब चूंकि रमजान मुबारक का महीना है तो कम से कम अगर हम पूरे साल हमसे कोई गलती कोताही हुई है तो ये बेहतरीन महीना हमारे लिए आ रहा है जिसमें हम अल्लाह इज्जत से अपनी बख्शिश करवा सकते हैं ये वो महीना है कि जिसमें महीने में जिस महीने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद निकलते ही दुआ करना शुरू करते थे चांद जैसे ही निकलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि अल्ला बारिकाना फी रजा बि व शाबान व बल्ले गार मजान बारिक लना फी रजाब व शाबान व हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी इतनी कि पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के लिए क्या कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं और हम दो दिन पहले भी क्या है दुआ नहीं करते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद निकलते ही क्या दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह मबारक लना फी रजब और शाबान व बल्ल रमजान के अल्लाह शाबान के महीने में रजब और शाबान के महीने में इतनी बरकत अता फरमा कि मैं रमजान मुबारक के महीने को पालू रमजान मुबारक का महीना इतना बाबरकत महीना है इतना बाबरकत महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी इबादत हम करते हैं आम दिनों में उसकी बनिस्बत अल्लाह रब्बुल सवाब को बढ़ा देते हैं अगर कोई नफिल पढ़ता है तो नफिल का सवाब फर्श के बराबर करते हैं और जो फर्श नमाज पढ़ता है अल्लाह इज़्ज़त उसको सत्तर फर्श के बराबर इसका सवाब अता करते हैं बहुत सारी फजीलतें हैं जो नुसूस से साबित हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फजीलत बता बता कर हमें शौक दिलाया ताकि हम इन फजीलतों को सुनकर हम अपनी रमजान मुबारक के महीने को खुशगवार जिंदगी और अच्छी जिंदगी बना सकें इस रमजान मुबारक के महीने में हम उन गलती और कोताइयों को दूर कर लें जो गलती कोताही हमारे ग्यारह महीने में जो गलती हमसे हुई है हम अल्लाह इज़्ज़त से रो रो कर हम क्या करें उन गलती और कोताइयों को दूर कर लें कम से कम अगर इस महीने में किसी को रोना ना आए तो कम से कम रोने वालों की सूरत बना लें जैसे कि शायर ने कहा है कि अश्क जारी ना हो अगर आंख से रोने वालों की सूरत बना लीजिए अगर हमारे आंखों से अश्क जारी ना हो तो कम से कम हम जो है रोने वालों की सूरत बना ले अल्लाह ताला हमारे इस रोने वाली सूरत को भी कबूल फरमाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने के बारे में पूछा गया अमल के बारे में पूछा गया कि अय्युल अमली अफजल जब वो महीना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्युल अमली अफजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलैका بالسौम فانه لا عذل له आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम रोजे को रखो कि रोजे के बराबर कोई इबादत नहीं इस महीने में रोजे के बराबर कोई इबादत नहीं है इसलिए आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने क्या फरमाया फरमायाबी सोम फूल कि तुम पर लाजिम है कि तुम क्या करो रोजे रखो फिन नहूला लहू कि इसके बराबर जो है कोई इबादत नहीं है इसी तरीके से एक फजीलत अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई के रोज़ादार जो है उसकी दुआ को अल्लाह इज्जत कबूल करते हैं जैसे कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया दाअुल फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं कि अल्लाह इज्जत उसको कबूल करते हैं उसमें से पहली दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाई साइम रोजेदार की दुआ जो शख्स रोज़ा रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुआ को कबूल करते हैं ये फजीलत सुनने के बाद हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए और ये तब्दीली कैसे आएगी जब हम तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे जैसे कि कुरान करी में अल्लाह रब्बुल अल्लाब्ज़त एशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह इन मा हत्ता मा बेमिनुर कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको खबर खुद अपने हालत के बदलने की यानी इस महीने के पाने के बाद भी अगर हम अल्लाह रबुल्जत से अपनी बख्शिश नहीं करवा पाए तो इसमें हमारी अपनी खुद की गलती है जैसा कि एक वाक्य आपने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर के करीब हुए और जब मिंबर के करीब हुए तो आमीन का दूसरी दफा आमीन कहा इसी तरह तीसरी दफा आमीन का जब साहबा ने इसकी वजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह बयान फरमाई कि हजरत जिब्राइल अल्लाम आए और उन्होंने बद्दुआ दी क्या बदुआ दी फरमाया हलाक हो ऐसा शख्स कि जो मुबारक का महीना बाबरकत महीना पाए जो मुबारक का बाबरकत महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए अल्लाह के नबी ने आमीन कहा इस पर हजरत जिबलई क्या कर रहे हैं बदुआ दे रहे हैं और आमीन कहने वाले जो फरिश्तों के सरदार वो बदुआ दे रहे हैं और जो नबियों के सरदार है वो क्या कह रहे हैं इस पर आमीन कह रहे हैं तो बताएं ये दुआ जो है बदुआ कबूल होगी नहीं होगी मैं हलाक हो ऐसा शख्स कि जो रमजान मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा पाए तो अल्लाह के नबी ने इस पर आमीन कहा दूसरी बद फरमाई कि हलाक हो ऐसा शख्स कि जो अपने वालदे को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करें। आज हम देख सकते हैं कि हम कितने जो है अपने के फरमा बरदार हैं कितने हैं हम इन चीजों को खुद देख सकते हैं जिसके बारे में कुरान करीम ने कहा है, वला वाला उफ़। कुरान करीम ने कहा है कि वला तकुल्लु उफ अपने वाले को उफ तक मत कहो वला तन हुमा उनको झड़को मत वकुल्लहुमा कौलन करीमा और उनसे में गुफगु करो वक्ुना और रहमत के बाजू उनके लिए बिछा दो रबिर हम हम कमारबानी सगीरा और क्या करो ये सब कुछ करने के बाद फरमाया कि उनके लिए दुआएं भी करो क्या रबिर हम हम कमारब्बयानी सगीरा अल्ला उन पर ऐसी रहमत कर कमा रब बयानी सगीरा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पर क्या किया था रहम किया था जिस तरह उन्होंने बचपन पे बचपन में जब मैं छोटा था और मुझे उन्होंने पाला जिस मेहनत से अल्लाह उन पर ऐसी रहमत फरमा आज हम कहाँ जा रहे हैं हम अपने आप को खुद देख सकते हैं इसी तरीके से तीसरी बदवा फरमाए अल्लाह के नबी ने कि हला को ऐसा शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम आए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे

जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पर क्या है दुरूद ना भेजे तो मैं ये बत बता रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजेदार जो है उसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल करते हैं जैसा कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासु दावाजाबात के तीन दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं उसमें से पहला क्या है दावत रोजेदार की जो दुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है कबूल करते हैं इसी तरीके से दावतुल मुसाफिर मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला कबूल करते हैं और तीसरा फरमाया दावतुल मजलूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं मजलूम की जो दुआ है उसको भी क्या है कबूल करते हैं तीन दुआएं जो अल्लाह रबुल्ज़त क्या करते हैं कबूल करते हैं इसी तरीके से इसकी फजीलत में अल्लाह के नबी ने एक और फजीलत यह बयान फरमाई कि रोजेदार जो है उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमाते हैं जैसा कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मनसाम मनसामा रमाजान ईमान मन गुफर मातपदिन फरमाए जो शख्स रमजान के रोजे रखे इस तरह के ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद करते हुए वाहतििसाबन गफी मा तपद्दामिन जम्बी उसके माजी के तमाम गुनाहों को अल्लाह रबुल्ज़त क्या करते हैं माफ फरमा देते हैं इसी तरीके से वो अमन कामा क़दर ईमानन वह तिसन गफ़ी मा मिन जम्बी के जो शख्स क़दर इस तरीके से रमजान मुबारक में गुजारे ईमान के साथ और शवाब की उम्मीद करते हुए अल्लाह पा उसके भी माजी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं तो जो शख्स इस तरीके से जो है रोजे को रखेगा अल्लाह रब्बुल उसके गुनाह जो माजी के गुना हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माजी को गुनाहों को माफ फरमा देंगे यानी ये रमजान का महीना हमारे लिए पैकेज है कि हम इस महीने में अपनी बख्शिश भी करवा सकते हैं और इतना जो है नमाज पढ़ पढ़ के हम अपनी नमाजों की जो है आदत को भी दोबारा से बना सकते हैं ताकि हम रमजान के बाद जो है बाकी ग्यारह महीने जो है उसमें भी जो है हम नमाज पढ़ें और थोड़ा सा वक्त निकाल के हम जो है कम से कम अपने नमाज़ों को भी सीखने की कोशिश करें कि नमाज़ में फ़र्ज क्या है सुन्नत क्या है वाजिब क्या है ताकि इन चीज़ों का हमें इन चीज़ों का जब हमें पता होगा तो हम क्या है नमाज को सही तरीके से अदा करेंगे अगर नमाज की कम से कम हमें जो है जो सही मत, जो मसाइल हैं नमाज रमज़ान के रमज़ान के मसाइल ये नमाज के जो मसाइल अगर हम उनको नहीं सीखेंगे तो इससे क्या होगा कि हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन क्या है हमारी नमाज नहीं होगी हम मसाइल के बगैर अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज तो हम बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज में एक तकबीर तहरीमा है अगर इसको इंसान छोड़ देता है तो क्या है इस तरीके से उसकी नमाज जो है नहीं होती है तकबीर तहरीम चूंकि फर्ज है अल्लाह अकबर कहना ये फर्ज खड़े होकर कहना ये फर्ज तो हम इन चीजों के ऊपर भी क्या है ध्यान दें इसी तरीके से चूंकि रोजे की बात चल रही है और रोजे के फजीलत के बारे में बयान चल रहा है तो एक और फजीलत अल्लाह के नबी ने फरमाई कि जन्नत में एक खास दरवाजा है जन्नत के दरवाजों में एक खास दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए है। और रोजेदार ही उस दरवाजे से दाखिल होंगे जैसे कि नबी अक्रम सल्हसम ने फरमाया कि इन नफिल जन्नति बाबुन लहुर लहूर्रैान इन नफिल जन्नत बाबुन के जन्नत के दरवाजों में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है इन इन जन्नति तो अबाबिन इसी तरीके ने फरमाया इन जन्नति तो अबवाबिन के जन्नत के दरवाजों में क्या है जन्नत के आठ दरवाजे हैं मिन यूसम्रैनान उसमें एक दरवाजा क्या है जिसको बाबुर्रैया कहा जाता है ला यदू मिन मिनहुस्सा इमून उसमें से कोई भी दाखिल नहीं होगा सिवाय रोजेदार के जिसने दुनिया में रोजा रखा होगा सिर्फ वो खास दरवाजा जिसने भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त किया होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दरवाज़ा ख़ास उसी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर की है इसी तरीके से एक फजीलत अल्लाह के नबी ने ये फरमाई के लस्सा फरहतान के जो रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसको दो खुशियाँ अता करते हैं रोज़ेदारों के लिए दो खुशियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदा करते हैं फ़रहतुन इंद फित्र ही एक वो जब वो रोज़ा अफ्तार करता है फरहतुन लिकाए रब्बी दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी मुलाकात होगी तो ये चूंकि बहुत बाबरकत महीना है कोशिश करें कि इस महीने को ज़ाया ना करें और इस महीने में को एहतमाम के साथ इस महीने में रोज़ा रखें और तरावी पढ़ें और बाकी जो टाइम हमें मिले उसमें हम कुरान करीम की मजीद तिलावत करें और इस महीनों को किसी भी सूरत हम जाया होने न दें विर दावादुल्ल रबिन